दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं चैनल इनसाइट क्रिकेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ओडीआई सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा मुकाबला है जो कि एडिलेड में खेला जाएगा। अगर बात करें पिछले मुकाबले की दोस्तों, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया था दोस्तों, और वहां पर वो मैच भी जीते थे। और अगर बात करें भाई इंडिया की दोस्तों, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई नया बॉलर आता है किसी टीम में दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों इंडिया उसे एक तरीके से उसको फेवरेट कर देती है उस टीम में। जैसे कि आप देखेंगे पिछले मुकाबले में रिचर्डसन आए थे दोस्तों, और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था दोस्तों इंडिया के खिलाफ। और वहां पर दोस्तों उन्होंने 4 विकेट लिए थे और 26 रन दिए थे अपने 10 ओवर में, और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था दोस्तों। ये इंडिया के खिलाफ उनका पहला मुकाबला था, तो इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों, जैसा भी कभी भी इंडिया अगर खेलती है ऐसा किसी खिलाफ, किसी टीम के खिलाफ और नया खिलाड़ी आता है, तो वहां पर दोस्तों वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है दोस्तों पहले मुकाबले में, जैसा कि यहाँ पर भी देखा गया था। तो देखना होगा दोस्तों कि इस दूसरे मुकाबले में जो कि काफी अहम मुकाबला है इंडिया के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर सीरीज का मुकाबला अगर दोस्तों ये हारती है दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया सीरीज भी हार जाएगी। तो देखना होगा कि दोनों ही टीमें कैसा प्रदर्शन करती है दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मैच के प्रेडिक्शन की। दोस्तों, प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस मैच को जीतने की संभावना 82% है, जो कि इंडिया की है। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को इंडिया ही जीतेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।